लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर छठी मैया के गीत से न सिर्फ पटना की गलियां और सड़कें गुंजमान हो रही है, बल्कि नवादा मंडल कारा में बंद कैदी भी सूर्य उपासना के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। जेल के अंदर भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। जेल में भी छठ के गीत गूंज रहे हैं और ठेकुआ पकेगा। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से भी खास तौर पर तैयारी की गई है। जो मंडल कारा नवादा का असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट है, पूरे बिहार और पूरे देश में छठ का महापर्व मनाया जाता है। हमारे जेल में भी महिला बंदियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 महिला बंदी छठ व्रत कर रही है, जिसका पूरा व्यवस्था जेल प्रशासन करता है। और इस महापर्व के उपलक्ष्य में महिला बंदी के साथ साथ में पुरुष बंदी में भी काफी हर्ष और उल्लास के साथ लोग सहयोग कर रहे हैं। मंडल कारा में बंद 3 महिला कैदियों के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और तीनों व्रतियों को व्रत रखने में अन्य महिलाएं कैदी भी सहयोग कर रही हैं। वहीं पुरुष कैदियों ने जेल के अंदर बने तालाब की साफ सफाई कर दी है। हम लोग तो अभी नवादा मंडल कारा के बंदी लोग हैं और छठ पर्व जो महापर्व है उसके सुअवसर पर हम लोग छठ कर रहे हैं और उसमें आज खरना का है, खरना का प्रसाद बन रहा है। उसमें मंडल कारा का भी जो प्रशासन के लोग हैं वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और सभी महिला पुरुष बंदी उनके साथ जो ड्यूटी में सब कर्मचारी लोग हैं, महिला जमादार पुलिस जो हैं, सबका काफ़ी सहयोग है। सब बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि बेगूसराय की रहने वाली रीता देवी 1 महीने पहले शराब के मामले में कौवा कोल से पकड़कर मंडल कारा लाई गई थी। वहीं सिरदला के मंझौली स्कूल की सचिव चिंता देवी और उनकी सहयोगी, जिनका नाम भी चिंता देवी है, दोनों गबन के आरोप में गिरफ्तार की गई थी। इन 3 कैदियों ने छठ व्रत का अनुष्ठान रखा है। नवादा मंडल कारा का माहौल भी इस समय भक्तिमय हो गया है। बंदी है महिला कारा मंडल में, हम लोग के अच्छा सुविधा छठ अवसर पर दिया जा रहा है, सब चीज से सहयोग है, सब सामान मिल रहा है। आज लोहंडा खरना का दिन है, हम लोग प्रसाद बना रहे हैं जेल के अंदर। जेल में खरना के दौरान महिला कक्ष में सामूहिक खीर पूड़ी की व्यवस्था की गई है। नहाय खाय के दौरान भी लौकी भात का इंतजाम किया गया था। जेल में मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी मंगाई गई है। पर्व मनाना जेल में अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कैदियों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।